नमस्कार दोस्तों, आप सबका कान्पा एजुकेशन अकेडमी में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में यूपीएससी मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस 2018 सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एनालाइज करेंगे जनरल स्टडीज पेपर 4 के क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए को। दोस्तों, इससे पहले के हमारे सारे क्वेश्चन में दो पार्ट थे, ए और बी, लेकिन हमारा जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसमें तीन पार्ट है, ए बी सी। तो हम वन बाय वन इस पर तीन वीडियो लाकर इन तीनों पार्ट को एनालाइज करने वाले हैं। फिलहाल ये वाला जो हमारा वीडियो है पार्ट ए के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। देन लेट्स बिगिन अवर टॉपिक ऑफ टुडे। तो दोस्तों, ये है हमारा वो क्वेश्चन। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसके लिए आपको चाहिए कि आप बहुत फास्ट रीडर हों, फटाफट आप क्वेश्चन को रीड कर पाए और क्वेश्चन को समझ पाए। तो यूपीएससी जब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देती है, बड़े बड़े केस स्टडीज देती है, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपकी रीडिंग काफ़ी फास्ट होगी, आपकी राइटिंग स्किल काफ़ी अच्छी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर इसी चीज़ पर फोकस करने की हमें ज़रूरत है। क्वेश्चन में देखिए कहा गया क्या है कि व्हाट डू ईच ऑफ द फ्लोइंग कोटेशंस। यहाँ पे ईच का मतलब, यहाँ पर हमें तीन कोटेशंस दे दिए गए हैं ए बी और सी में। तो यहाँ पर हम पहले कोटेशन की बात कर रहे हैं अपने इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो भी आपको कोटेशन दिया गया है उसका मतलब आपके लिए क्या है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के दौरान, यानी आज के समय को लेकर आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, ये कोटेशन ना अब्राहम लिंकन की, ये हमें कोटेशन दी गई है यहाँ पर। तो इस कोटेशन को अब्राहम लिंकन ने आज से काफ़ी समय पहले दिया था, जब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें ये चीज़ बतानी है कि उस समय अब्राहम लिंकन ने ये बात कह दी थी, लेकिन क्या आज के समय में इसकी कोई इंपॉर्टेंस है। अगर आज के समय में कोई इंपॉर्टेंस है तो वो इंपॉर्टेंस उसकी कैसे है। तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट का सिंपल मतलब हुआ कि आप कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दीजिए ऐसे, जिससे ये पता चल जाए कि ये जो अब्राहम लिंकन ने बात कही है उसके आज के समय में इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट का सिंपल मतलब हो गया यहाँ पर कि इस कोटेशन को पढ़ने के बाद क्या ये कहीं हमारे आज के डेली लाइफ में अप्लाई हो रहा है, तो उस पर हम कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू उसको एनालाइज करें। देखिए दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने क्या बात कही है। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि जो ट्रू रूल इन डिटरमाइनिंग टू एम्ब्रेस और रिजेक्ट एनीथिंग, यानी सच्चा शासन वही है जहाँ पर किसी चीज़ को डिटरमाइन करने में या रिजेक्ट करने में हम किस चीज़ पर काम करते हैं वो देखिए, इज़ नॉट वेदर इट हैज़ एनी एविल इन इट, यानी हम किसी काम को करें या ना करें तो उसमें ये इस बात से डिसाइड नहीं होगा कि उसके अंदर थोड़ी बहुत बुराई है या कुछ बुराई है, बल्कि इस बात पर डिपेंडेंट होगा कि क्या उसके अंदर बुराई ज़्यादा है अच्छाई से। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी उन्होंने और बहुत सच्ची बात कही है। देयर आर फ्यू थिंग्स होली इविल और होली गुड, सिर्फ कुछ ही चीज़ें होती हैं जिनमें 100% एक तरीके से या तो बुराई होती है या 100% अच्छाई होती है, लेकिन इसके अलावा जितनी भी जो ढेर सारी चीज़ें होती है उनमें 100% ना अच्छाई होती है ना 100% बुराई होती है। उसका रेशो ऐसे हो सकता है कि 70:30 हो, यानी 70% उसमें अच्छाई हो 30% बुराई हो, या 70% बुराई हो 30% अच्छाई हो, या एक तरीके से 50-50 हो, या फिर 40-60 हो। तो इस तरीके से हिसाब होता है आज के समय में। तो दोस्तों, इसी को यहाँ पर कहा है अब्राहम लिंकन ने कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें बुराई ना हो, ऐसे बहुत ही कम काम है जिनमें 100% अच्छाई या 100% बुराई होती है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग स्पेशली ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, कि लगभग हर चीज़ में अच्छाई या बुराई होती है, और खास करके गवर्नमेंट पॉलिसी में ये चीज़ देखा जाता है कि इसमें अच्छाई और बुराई दोनों ही होती है। तो आपने देखा होगा कि किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी का क्रिटिसिज्म भी किया जाता है और उसके मेरिट पॉइंट्स भी बताए जाते हैं। तो दोस्तों, अब्राहम लिंकन की बात जो है वहाँ पर भी सच साबित हो रही है। उसके बाद से अब्राहम लिंकन कहते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो यहाँ पर हमें किस हिसाब से जजमेंट लेना चाहिए। तो हमें इस हिसाब से जजमेंट लेना चाहिए कि हम किसी काम को वैसे करें जिसमें ज़्यादा अच्छाई हो और बुराई कम हो। तो एक तरीके से जिस वस्तु में गुडनेस जितनी ज़्यादा होगी वो हमारा काम उतना अच्छा होगा, लेकिन 100% गुडनेस हर बार कोई पॉसिबल नहीं है कि ये चीज़ कंडीशन पूरी हो पाए। इसीलिए हमारा बेस्ट मेथड होना चाहिए इस बात पे कि ये गुड जो थिंग हम कर रहे हैं, यानी अच्छी जो चीज़ कर रहे हैं, उसमें हम कितने परसेंट हम अच्छाई कर रहे हैं, यानी जो हमारा अच्छाई करने का रेशो है वो उससे होने वाले नुकसान से ज़्यादा है या नहीं।
तो ये बात अब्राहम लिंकन कहते हैं कि कोई भी डिसीजन अगर गवर्नमेंट लेती है तो उसके अच्छे और बुरे परिणाम दोनों हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो निर्णय होना चाहिए वो इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि जो हमारा डिसीजन है वो कितने, मतलब बुराई की कंपैरिजन में अच्छाई कितना कर रहा है। तो ये इस वाक्य का सीधा साधा मतलब है। और दोस्तों इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी नए कंस्ट्रक्शन के लिए डिस्ट्रक्शन तो जरूरी है ही, तो इसको एक तरीके से कहा जाता है डिस्ट्रक्शन इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शन। अगर दोस्तों इस तरीके का यहां पर सेंटेंस होता, फाउंडेशन ऑफ न्यू क्रिएशन, इतनी बड़ी अब्राहम लिंकन की बात कही गई है, उसके अलावा सिर्फ हम ये एक लाइन लिख देते तो दोस्तों जो मैं इसमें आपका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ वही बात हमारे इस क्वेश्चन के लिए भी सही होगी। तो ऐसा कहा जाता है कि डिस्ट्रक्शन इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शन। आप कोई भी नव निर्माण कीजिए तो उसमें थोड़ी बहुत बर्बादी तो होगी ही होगी, लेकिन यहाँ पर हमें ये बात का फोकस करना चाहिए कि जो डिस्ट्रक्शन है वो लिमिटेड वे में हो, जबकि उससे होने वाला जो वेलफेयर हो वो मल्टीपल फैक्टर में हो। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों इस जो ये इतना बड़ा यहाँ पर कोटेशन दिया गया है अब्राहम लिंकन का, उसकी जगह अगर ये वाला हमारा सिंपल कोटेशन होता तो हमें इसका जो आंसर होता इसी तरीके से लिखना होता, जिसको अभी हम एनालाइज करने वाले हैं थोड़ी देर में। दोस्तों इसमें मैंने यूपीएससी सिलेबस वाला जो एक अलग से समझाने का तरीका होता है, जो स्लाइड होता है, उसको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ओवरऑल एथिक्स जो आनी चाहिए वो अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो वाक्य में नहीं पूछा अब्राहम लिंकन की बात को कि उसको सच साबित कीजिए या झूठ साबित कीजिए, उसने ये पूछा है कि आपके व्यू पॉइंट में इसका प्रेजेंट कंटेक्स्ट में कितना इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों हमारा जो फोकस होना चाहिए वो प्रेजेंट कंटेक्स्ट पे होना चाहिए। प्रेजेंट कंटेक्स्ट का सिंपल मतलब हो गया कि आज के समय के एग्जांपल दीजिए, यानी प्रेजेंट टाइम के ऐसे एग्जांपल दीजिए जिसमें आपको ये लेकर चलना पड़ता होगा कि इसे 100% जरूरी नहीं है अच्छाई हो, उससे बर्बादी भी होगी, लेकिन जो अच्छाई का रेशो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको जो हमारा जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट का मतलब है वो यहाँ पर है आज के समय के एग्जांपल देना। तो देखिए दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ पर एग्जांपल कलेक्ट कर दिए हैं। यहाँ पर मोर गुड वर्सेस लेस गुड, यानी जिससे हमें ज़्यादा भलाई हो और कम भलाई वाला अप्रोच हो, उसमें हमें ज़्यादा भलाई वाला अप्रोच चुनना चाहिए। इसको हम अगर साबित करना चाहते हैं तो यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल के थ्रू भी साबित कर सकते हैं, नेचुरल जस्टिस वाला जो प्रिंसिपल है जिसको हमने पहले की वीडियो में एनालाइज किया है उसके थ्रू भी इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। और तो और दोस्तों जो पब्लिक इंटरेस्ट वाला मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था उसके थ्रू भी हम इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमसे ये पूछा होता इसको सच साबित कीजिए तो हम इसको इसके थ्रू जस्टिफाई करने की कोशिश करते, लेकिन हमारा क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा नहीं गया, सिर्फ ये पूछा गया है कि प्रेजेंट कंटेक्स्ट में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसीलिए हम सिर्फ आज के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करेंगे। तो मैंने आपके सामने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल रख दिए हैं। देखिए दोस्तों इसके क्या मेरिट हैं क्या डिमेरिट हैं, इसके क्या मेरिट हैं इसके क्या डिमेरिट हैं, इसके साथ ही साथ सबरीमाला जजमेंट है उसके क्या मेरिट उसके क्या डिमेरिट, आधार कार्ड के क्या मेरिट आधार कार्ड के क्या डिमेरिट, मेट्रो प्रोजेक्ट्स के क्या मेरिट और इसके क्या डिमेरिट्स। अगर आप इन सब चीज़ों के मेरिट और डिमेरिट्स को देखेंगे तो आप हमेशा पाएंगे कि इसके जो मेरिट्स हैं हमेशा ज़्यादा हैं डिमेरिट से, और इसीलिए गवर्नमेंट ने इन सारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। इसका क्रिटिसिज्म इस बेस पे कर सकता है कोई भी कि इससे ये नुकसान हुआ है। तो देखिए दोस्तों अगर वो सिर्फ डिमेरिट पर ही फोकस करेगा तो वो मेरिट तो देख ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर हमें इस व्यू पॉइंट से बचने की ज़रूरत होती है, हमें यहाँ पर सारी चीज़ों को देखना होता है, इसीलिए यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको आज के एग्जाम्पल दे दिए हैं आज के समय के, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपने करंट अफेयर फॉलो किया होगा, ये आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। एफडीआई पॉलिसी आने से दोस्तों क्या हुआ है, जो एमएसएमईज हैं हमारे जो एमएसएमईज हैं उनका एक्चुअली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि एफडीआई की वजह से जो नई कंपनीज़ है जो हाईटेक कंपनीज़ है वो अपना प्रोड्यूस काफ़ी सस्ता बनाती हैं, और इससे जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन दोस्तों इसका फ़ायदा क्या हो सकता है,
तो इसका फायदा ये हो सकता है कि हमारे देश में जब FDI आएगी तो FDI के साथ नई टेक्नोलॉजी आएगी, साथ में नया वर्क कल्चर आएगा, तो हम एक तरीके से और ज़्यादा प्रोडक्टिव और इफ़िशियंट बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब गवर्नमेंट यहाँ पर देख रही है तो वो इसको ये बात का ध्यान रख रही है कि अगर हमारे देश में नई टेक्नोलॉजी आती है FDI के थ्रू तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा लॉन्ग टर्म के विज़न में। तो यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू गवर्नमेंट यहाँ पर काम करने की कोशिश कर रही है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट अगर चाहती है कि MSMEs को बचाना चाहे तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने अलग से सोच लिया है, यानी एक तरीके से MSMEs का जो नुकसान हो उसको कैसे कम किया जाए, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने अलग से जैम पॉलिसी बना दी है। और साथ ही साथ MSMEs को सपोर्ट करने के लिए जो 59 मिनट में 1 करोड़ रुपए तक का लोन है वैसी फैसिलिटी अवेलेबल कराने लगी है। उसके अलावा मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए हमारा जो इनोवेट इंडिया है उसको लॉन्च किया है, इन्वेस्ट इंडिया को लॉन्च किया। तो इस तरीके की काफी सारी प्लानिंग की है यहां पर गवर्नमेंट ने ताकि MSMEs को जो नुकसान हो रहा है उसको कम कर सके। तो यहां पर हम ओवरऑल देखते हैं तो FDI पॉलिसी के डिसीजन जो होता है वो सही साबित होता है। दोस्तों, ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। ट्रिपल तलाक को जब सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया तो काफी सारी जो मुस्लिम सोसाइटी थी, एक्चुअली जो मेल मेजोरिटी थी, जो पैट्रियार्की थिंकिंग रखती है, वो इसके विरोध में थी, उनको एकदम इसका नुकसान हुआ। तो यहाँ पर एक तरीके से ये उतना अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन जब हम देख रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ, उनके राइट्स की तरफ, तो ये ज़्यादा वेलफेयर वाला स्टेप है, जिससे यानी यहाँ पर हमें एक तरफ कम नुकसान हो रहा है लेकिन इसका आने वाले समय में फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए ऐसी प्रथा को हमारे देश से उखाड़ फेंकना काफ़ी ज़रूरी है। उसके अलावा दोस्तों, अगर बात की जाए सबरीमाला जजमेंट की, तो सबरीमाला जजमेंट में भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो वुमेन की मंदिर में एंट्री होती है उसको अलाउ कर दिया है। तो इसे भी यहाँ पर एक अच्छा गेस्चर माना जा सकता है, और यहाँ पर भी इसके जो लॉन्ग टर्म में फ़ायदे हैं वो ज़्यादा हैं और नुकसान कम हैं। तो इनको आप दोस्तों एक्सप्लेन कर सकते हो, मैंने यहाँ पर अलग से एक्सप्लेन इसको नहीं किया है, लेकिन मैं आपको वीडियो में इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आधार कार्ड से भले हमारा प्राइवेसी का इशू हो रहा है क्रिएट, लेकिन इससे दोस्तों सब्सिडी का मिसयूज़ कितना रुका है। गवर्नमेंट ने इसे 1 लाख करोड़ रुपये बचा लिए हैं। अगर गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ रुपये पब्लिक के टैक्स पेयर्स की मनी को बचा लिया है जो पहले करप्शन या ब्लैक मार्केटिंग में जाता था, तो आधार कार्ड हमारा जो हुआ वो जस्टिफाइड हुआ। भले यहां पर प्राइवेसी का इशू आ रहा है, उस इशू को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सेफ्टी मैकेनिज्म हो सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों इसके आधार कार्ड के ज्यादा फायदे हैं, इसीलिए इसको रखना जरूरी है। आधार कार्ड भी एक गवर्नमेंट की पॉलिसी ही हुई। और साथ ही साथ दोस्तों, मेट्रो और जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, जब हमने डैम वाला वीडियो देखा था कि डैम बनाने के लिए एक रैशनल पॉलिसी चाहिए, तो उसमें आप देख सकते हैं कि डैम से कितना नुकसान होता है। उस नुकसान को मेजर करने के लिए मैंने आपको काफ़ी सारे टूल्स भी बताए थे, जैसे कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ पर भी हमें नव निर्माण के लिए डिस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ी थी। तो वही चीज़ यहाँ पर दोस्तों मेट्रो और दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं उनसे फ़ायदा होता है। आज दोस्तों मेट्रो की मदद से वुमेन एम्पावरमेंट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है, क्योंकि देखिए आज जो हमारे देश की महिलाएँ हैं जो NCR या ऐसे रीजन में रहती हैं जहाँ मेट्रो फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वो दूर तक जा सकती हैं। उनकी सेफ्टी की गारंटी एक्चुअली मेट्रो की है, मेट्रो में वो काफ़ी सेफ रहती हैं, उनके लिए अलग से एक वुमेन कंपार्टमेंट है और एक तरीके से उनकी सुरक्षा का यहाँ पर पूरा इंतजाम है, जिस कारण वो अब ज़्यादा नंबरों में काम करने जा सकती हैं दूर तक। तो इससे वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी आसानी हो रही है। अगर दोस्तों हमने मेट्रो बनाने के लिए स्टेप नहीं लिया होता तो आज देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा नुकसान होता, वुमेन एम्पावरमेंट का जो वुमेन सेफ्टी का इशू रहता वो ज़्यादा रहता उनके ट्रैवलिंग के दौरान, ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम रहती वो ज़्यादा हो गई रहती। इससे क्या होता है, इससे पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन ज़्यादा लगता है, जिससे पॉल्यूशन ज़्यादा होता और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती। तो दोस्तों कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिससे हम क्लाइमेट चेंज को रोकने में हमें मदद मिलती है, उसके
उस चीज को अचीव करने में हमें शुरू में भले लॉस होता है। तो इस चीज को मैंने समझाने के लिए अपनी एक डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट वाली वीडियो बना रखी है, जो हमारा एसे का एसे सीरीज का पहला ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आप इसको देखते हैं तो इस चीज़ को आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। और दोस्तों इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उस पर हमने ऑलरेडी बात करी ली है, आप उसको देख लीजिए कि ऐसे हमने कौन कौन से वीडियो सिर्फ जनरल स्टडीज़ पेपर 4 में ही बना डाले हैं 2018 के ही साल में, जो इस टॉपिक को डायरेक्टली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। दोस्तों हमारी कुछ अदर वीडियोज़ हैं जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट वाला, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला और डूइंग गुड थिंग्स, ये हमारे जनरल स्टडीज पेपर 4 के प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अवेलेबल है। इन सारी वीडियोस को अगर आपने पहले देख लिया है तो ये वीडियो आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आपने ऐसे देखा है तो इसको पहले देखिए और इसके बाद हमारी इस वीडियो को देखिए, इससे आपको और ज़्यादा फायदा होगा, आपके नॉलेज और स्किल में काफ़ी ज़्यादा एनहांसमेंट होगी। तो दोस्तों अब ये है हमारी एक नॉलेज से भरपूर वीडियो का एंड। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ दोस्तों हमको सपोर्ट कीजिए हमारे वीडियोस को लाइक करके, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा कर भी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट पर ध्यान देंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।